पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की खरीबी, अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की रेड, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद। अर्पिता के घर से मिला 2000 और 5000 रुपए के नोटों का अंबार, गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी। ईडी ने एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में की रेड, अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले 20 मोबाइल फोन। ईडी ने 20 ठिकानों पर छापेमारी की, शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी, एमएलए मणिक भट्टाचार्य समेत कई और लोगों के घरों पर रेड हुई। ईडी की एक टीम पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर भी पहुंची, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ हुई। ईडी रेड के बाद बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, लिखा ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तेलंगाना के निजामाबाद पीएफआई मॉड्यूल की 4 गिरफ्तारी पर सनसनीखेज खुलासा, मुस्लिम नौजवानों को दी जाती थी आतंकी ट्रेनिंग। भारत में इस्लामिक रूल स्थापित करने के लिए देश विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप है, नौजवानों को कत्ल करने के तरीके से सिखाए जाते हैं। मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है अब्दुल कादर, पुलिस ने जांच के बाद 8 पन्नों की रिमांड कॉपी बनाई है। नौजवानों की भर्ती के लिए बनाए गए थे 15 संगठन, अब्दुल कादिर को 6 लाख रुपए देकर पीएफआई में शामिल किया गया, कादिर के घर की पहली मंजिल पर ट्रेनिंग दी गई। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दी। कन्हैया मर्डर केस में एनआईए ने 8वीं गिरफ्तारी की, मोहम्मद जावेद नाम के एक शख्स को पकड़ा गया। कन्हैया की रेकी करने और कातिलों का जानकारी पहुंचाने का आरोप है, जांच एजेंसी पूछताछ में जुटी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ यासीन मलिक भूख हड़ताल पर बैठा, जेल सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकी यासीन मलिक ने कहा उसका मामला विचाराधीन है, सही से नहीं की जा रही है जांच, जेल अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज संसद में दी जाएगी विदाई, सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे होगा फेयरवेल समारोह। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी सहित सांसद होंगे समारोह में मौजूद, स्पीकर ओम बिरला देंगे फेयरवेल स्पीच। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिया फेयरवेल डिनर, पीएम ने शेयर की डिनर की तस्वीरें। फेयरवेल डिनर में पद्म पुरस्कार विजेता और आदिवासी नेता हुए शामिल, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और स्पीकर ओम बिरला सहित कई मंत्री आए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है, अजय देवगन और साउथ के हीरो सूर्या को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म सोरा रई पोटारू के लिए अपर्णा बाला मुरली को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जबकि बिजू मेनन को अयप्पनम कोशियम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सम्मान मिला। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोरा रई पोटारू को मिला, जबकि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड तुलसीदास जूनियर को मिला। बेस्ट लिरिक्स के लिए मनोज मुंतशिर चुने गए, फिल्म साइना के गीतों के लिए मिला अवार्ड। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू का पुरस्कार जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड और थ्री सिस्टर्स को संयुक्त रूप से दिया गया। 25 की बजाय 26 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो सकती है सोनिया गांधी, सोर्सेज के हवाले से खबर। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान, हथियार के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की होगी सीबीआई जांच, उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए। जांच के घेरे में आ सकते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले सिसोदिया को फंसाने की साजिश, जेल जाने से नहीं डरते हम। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा ईमानदारी का सर्टिफिकेट न बांटे, शराब को बढ़ावा देना ईमानदारी नहीं। लखनऊ में एक कैफे के बाहर दो लड़कियों ने एक लड़के को जमकर पीटा, कैमरे में कैद हुई पिटाई की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को मिला हर घर जल का पहला सर्टिफिकेट, 254 गांव के हर एक घर में पीने का साफ पानी पहुंचाने वाला पहला जिला बना। आयुष्मान भारत योजना के तहत 23 करोड़ लोगों ने अपना हेल्थ अकाउंट खुलवाया, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 3,21,00,000 अकाउंट्स खोले गए। टीम इंडिया के ने रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 3 रन से हरा दिया, आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज नहीं बना सका 15 रन। टीम इंडिया ने 308 रन का दिया था टारगेट, आखिरी ओवर तक 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज। वनडे क्रिकेट में अपने 18वें शतक से चूक गए शिखर धवन, नर्वस 90s का शिकार होकर 97 रन पर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने चटकाए 2-2 विकेट, सिराज ने आखिरी ओवर में लुटाए 11 रन। वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रेयसी अय्यर ने खेली अर्शद की पारी, सबसे तेज 1000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। शुभमन गिल ने लगाया वनडे करियर का पहला अर्धशतक, 53 गेंदों पर बनाए 64 रन। टोक्यो फिल्म दोबारा को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में मिला ओपनिंग फिल्म का दर्जा, स्पेनिश फिल्म मिराज की रीमेक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।